नमस्कार कक्षा 9। आज हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमिकाओं के बारे में। बच्चों, चार बीजीय सर्वसमिकाएं हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली है x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। दूसरी है x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। इन दोनों में यदि आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई सेम है, सिर्फ एक यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस का फर्क है, और ऊपर वाले में प्लस था और यहाँ माइनस था। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं, वही हम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, दो सर्वसमिकाएं हमने यहाँ देखी है। अगली जो सर्वसमिका है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के। और चौथी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। इनको रट्टा नहीं मारना है, इन्हें समझना है। अब मैं एक एक करके आपको ये सारी सर्वसमिकाएं समझाऊंगा। आइए सबसे पहले हम पहली सर्वसमिका देखते हैं जो कहती है x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। आइए इसे सिद्ध करने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं यहां लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, यह है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई गुना एक्स प्लस वाई, है ना। ये ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ये ब्रैकेट अपने आप से ही दो बार गुना हो गए। अब इसके बाद सबसे पहले ये जो x है ये पहले x से गुना होगा फिर ये y से गुना होगा, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई हो गया एक्स वाई। अब उसके बाद ये जो y है ये पहले x से गुना होगा फिर ये y से गुना होगा। y इंटू एक्स होता है वाई एक्स यानी कि एक्स वाई प्लस y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, लाइक टर्म्स को हमें प्लस करना है, समान पदों को हमें प्लस करना है। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली और कोई रकम यहां नहीं है तो ये अकेला है एक्स स्क्वायर प्लस, ये है एक्स वाई प्लस एक्स वाई, वन एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई ये हो गए टू एक्स वाई प्लस, यहां है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली भी और कोई रकम नहीं है तो वाई स्क्वायर को भी ऐसे लिख देंगे। अभी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही हमारी राइट साइड थी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यह राइट साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारी ये जो पहली सर्वसमिका थी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दी है। आइए अब इसकी दूसरी सर्वसमिका देखते हैं। दूसरी सर्वसमिका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक बार फिर से हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई से ही गुना होगा। अब जैसा हमने पिछली सर्वसमिका में पढ़ा, ये x जो है ये पहले इस x से गुना होगा फिर ये इस y से गुना होगा, ठीक है बच्चों। तो x जब x से गुना होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, x जब y से गुना होगा तो x इंटू वाई बन जाएगा एक्स वाई। उसके बाद ये है माइनस माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स, उसको हम माइनस एक्स वाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ये y इस y से गुना होगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस y इंटू वाई हो गया y स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लाइक टर्म्स को समान पदों को प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली और कोई रकम नहीं है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये समान पद है एक्स वाई इसके साथ कुछ नहीं है तो वन, इसके साथ कुछ नहीं है तो वन, माइनस वन हो गया माइनस टू, साथ में है एक्स वाई। उसके बाद है प्लस वाई स्क्वायर वाली भी यहां और कोई रकम नहीं है तो वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारी सर्वसमिका की राइट हैंड साइड थी। तो यहां हमने सर्वसमिका की लेफ्ट साइड
राइट साइड के बराबर सिद्ध कर दी है। इसका मतलब ये जो हमारी सर्व समीकरण थी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह भी सिद्ध होती है। आइए अब हम तीसरी सर्व समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी सर्व समीकरण हमारे पास है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। इसमें से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर से एक्स पहले इस एक्स से गुना होगा फिर इस वाई से गुना होगा, एक्स इंटू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स इंटू माइनस वाई हो गया माइनस एक्स वाई, और यहां देखिए उसके बाद ये वाई पहले इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा, प्लस वाई इंटू एक्स हो गया प्लस वाई एक्स यानी प्लस एक्स वाई, और माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखना माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि इनके साइन एक दूसरे से उल्टे हैं। हमारे पास क्या बच गया, यहां से बचा एक्स स्क्वायर, ये कट गया ये कट गया, बाकी बचा माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमारी सर्व समीकरण का राइट साइड है। तो यहां हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के यानी सर्व समीकरण की लेफ्ट साइड को सर्व समीकरण की राइट साइड के बराबर सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब हमारी ये जो सर्व समीकरण थी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी सिद्ध होती है। आइए अब हम इसकी चौथी सर्व समीकरण देखें, ये है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। फिर से एक बार मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं जो है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसमें से सबसे पहले ये जो एक्स है ये इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा, तो देखिए एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी होगा बी एक्स प्लस, अब ये ए जो है ये पहले इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा, तो ए इंटू एक्स हो गया ए एक्स प्लस ए इंटू बी हो गया ए बी। आइए इसे आगे देखें, एक्स स्क्वायर वाली और कोई रकम नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस लास्ट में ए बी है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, बीच में हमारे पास ये दो रकमें हैं, इन दोनों में आप देख रहे हैं यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, तो मैं इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बच गया बी, यहां से एक्स बी एक्स में से एक्स बाहर चला गया बाकी रह गया बी, ए एक्स में से एक्स बाहर चला गया तो बाकी रह गया ए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, देखो कैसे एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर ही लिखा, एक्स इंटू बी प्लस ए या बी प्लस ए इंटू एक्स एक ही बात है, बी प्लस ए को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी, है ना, बी प्लस ए या ए प्लस बी एक ही बात होती है, और एक्स इस ब्रैकेट से गुना हो रहा है वो यहां आ गया प्लस ए बी। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ये मेरी सर्व समीकरण की राइट साइड थी। ठीक है बच्चों, यानी कि यह है राइट साइड के बराबर आ गया। तो हमने देखा कि इस सर्व समीकरण की लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड के बराबर किया, यानी हमारी सर्व समीकरण एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हमने सिद्ध कर दी है। तो देखा आपने, हमने बहुत जल्दी ही चारों की चारों सर्व समीकरणें जो है यहां पे सिद्ध कर दी हैं। ये है हमारी बीजीय सर्व समीकरणें, इन्हें बच्चों हमेशा आप माइंड में रखना, समझने के बाद इनको हमेशा याद करने की कोशिश कर लेना और कोशिश करना कि इन्हें आप हमेशा आपको ये हमेशा याद हो। ठीक है, पहली है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तीसरी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, चौथी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इन बीजीय सर्व समीकरणों को आप एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले एक खाली पेज पर लिख लीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, आपकी लाइक से हमें और मेहनत करने की शक्ति मिलती है। धन्यवाद।